नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा छठवीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, कल हम लोगों ने यहाँ पर संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं किस तरह से दर्शाई जाती है ये भाग पढ़ा था। उसके साथ साथ हम लोगों ने प्रश्न संग्रह चार जो है उसको भी शुरुआत की थी हल करने के लिए। तो उसमें प्रश्न पहला मैंने कल बताया था, निम्नलिखित संख्याओं का ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं में वर्गीकरण करो। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक संख्या ये एक भाग बनाओ और धनात्मक संख्या ये एक भाग बनाओ। और उसमें समझ लो, अभी यहाँ पर ऋण 5 ये कौन से भाग में आएगा? ऋणात्मक में आएगा, तो उसमें लिखने का है। धन 4 किस में आएगा? धनात्मक में आएगा, तो उसको लिखने का है। ऋण 2 ये ऋणात्मक के कॉलम में आएगा। 7 इसको चिन्ह नहीं है, ये धनात्मक में आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको लिखने के लिए बोला था। उसके बाद शहरों का तापमान दिया है, उसको चिन्हों का उपयोग करके किस तरह से लिखा जाता है ये भी मैंने कल आपको करके दिखाया था। अभी उसके बाद है निम्नलिखित उदाहरण या कथन जो है उनको संख्याओं को चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। देखो, एक है, पहला, एक पनडुब्बी समुद्र सतह से 512 मीटर की गहराई पर है। गहराई यानी क्या? तो समुद्र सतह से नीचे, गहराई मतलब नीचे है, डेप्थ में है, और इसीलिए नीचे है। इसका मतलब क्या है? तो समझ लो, समुद्र सतह जो है उसको अगर हम लोगों ने 0 माना, यानी उसको आरंभ बिंदु माना, तो उसके नीचे यानी क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, यानी वो ऋण हो जाता है। इसीलिए उसका इस तरह से लिखने का है, ऋणो 512 मीटर, इस तरह से उसको लिखने का है। उसके बाद है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र सतह से 8848 मीटर है। देखो, अभी समुद्र सतह जो है इसको मैंने 0 मानने के लिए बोला है, और 0 से ऊंचाई पर यानी ऊपर है, यानी क्या होगा? ये धन होगा, इसलिए उसका उत्तर धन 8848 मीटर ये आएगा। उसके बाद है जमीन से 120 मीटर की दूरी पर उड़ने वाली पतंग। जमीन से 120 मीटर की दूरी यानी क्या? तो 0 अंश जो है 0 से ऊपर यानी धन 120 मीटर, ऐसा। उसके बाद एक सुरंग जमीन के नीचे 2 मीटर की गहराई पर है। जमीन के नीचे, नीचे यानी क्या? तो फिर से ऋण 2 मीटर। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो कथन है वो भी लिखने का है, और उनके सामने उसके ये जो उत्तर मैंने बताए वो भी आपको लिखने के हैं। उसके बाद देखो, गणित जो है इसका उपयोग हम लोग खेल में भी कर सकते हैं, और वो किस तरह से करने का है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसी तरह आप लोगों को एक संख्या रेखा बनानी है, और उस संख्या रेखा पर देखो, जैसे मैंने आपको आपका जन्मदिन जिस साल में हुआ है उस साल से उस साल का जो वर्ष है उस वर्ष से आप लोगों को इस नंबर ये जो संख्या रेखा है उस पर क्या करने का है? वर्ष डालते जाने का है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2016, उसके आगे आएगा 2017, उसके आगे आएगा 2018, उसके बाद 2019, 2020, 2021, 22, और तो ये 2000 के पीछे क्या आएगा? 2016 के पीछे 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, तो इस तरह से ये पीछे में आएगा। तो इस तरह से आपको ये लिखते जाने का है, और फिर इसका निरीक्षण करके आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, मतलब 2000 से लेकर 2024 तक आप लोगों को ये काल रेखा खींचनी है। स्टार्टिंग उसकी 2000 से होगी, 2000 से लेकर 2024 तक। उसके बाद खेलते समय उसकी आयु कितनी है? समझ लो, अभी आप तुम लोग छठवीं में हैं, और अभी छठवीं में तो ईयर कौन सा होगा? ये 2020 चालू है यहाँ पर, तो इस यहाँ पर तुम लोग छठवीं में हैं, तो फिर आज आपकी आयु कितनी होगी 2020 में? तो इसके लिए आप लोगों का जन्म का जो साल है वो अगर मालूम होगा तो उससे आप लोगों को 2020 तक गिनते जाने का है। जितने वर्ष रहेंगे वो रहेगी आपकी उतनी आयु। उसके बाद 5 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था और उसकी आयु कितनी थी, तथा उसकी आयु कितनी थी? अभी 5 साल पहले, अभी 2020 चालू है, तो इसके पहले 5 वर्ष यानी क्या? 2015। तो 2015 में आपकी आयु यानी उम्र, आपकी उम्र कितनी थी वो अभी आप लोगों को अपना जन्म का साल मालूम होगा, तो उसके आधार पर आप लोग कर सकते हैं कि 2015 में आपकी उम्र कितनी थी। उसके बाद है विद्यार्थी 10वीं में किस वर्ष जाएगा और उस समय उसकी आयु कितनी होगी? अभी देखो, यहाँ पर 2020 में अगर छठवीं में है तो 2021 में वो 7वीं में जाएगा, 2022 में वो 8वीं में जाएगा, उसके बाद 23 में वो 9वीं में जाएगा, और 2024 में वो 10वीं में जाएगा। अभी देखो, यहाँ पर समझ लो, 2020 में अगर उसकी उम्र 12 साल है तो वो 10वीं तक 13, 14, 15, 16 साल में जाएगा। तो इस तरह से अपने ईयर कौन सा, अपना वर्ष कौन सा है, अपना
जन्म का, तो उसका हिसाब करके आप लोग ये लिख सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ये 2000 से लेकर 2024 तक ये संख्या रेखा तैयार करनी है और फिर उसके आधार पर ये प्रश्नों के उत्तर लिखने के हैं। धन्यवाद।